नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरजे न्यूज राजस्थान में। तो दोस्तों, आज की बात करें तो बारिश का मौसम चल रहा है, हर तरफ बारिश हो रही है। मानसून की बात करें तो बारिश पश्चिमी राजस्थान में सभी शहरों को भिगो के रख दिया। इसी बीच जोधपुर में आंदोलन से एक जुड़ी खबर आ रही है, जहाँ किसानों के धरना स्थल पर तबीयत बिगड़ने से युवा किसान की मौत हो चुकी है। माणकलाव में जुटने लगे किसान। जी हाँ, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी लापरवाही सामने आ रही है सरकार की। इतने दिन किसान परेशान हो गए, धूप में सड़क किनारे बैठे थे, उनका कोई हालचाल नहीं लिया गया। ऐसी की पर बड़ी खबर आ रही है, जहां शव नहीं उठाने से किसान नेता ने मना कर दिया है। मृतक किसान का शव फिलहाल SDMS की मोर्चरी में रखा गया है। आंदोलन पर जोधपुर के किसान में माणकलाव गांव में धरना स्थल पर शुक्रवार देर रात एक युवा किसान की तबीयत बिगड़ने से इलाज के दौरान जोधपुर में मौत हो गई। युवा किसान की मौत का समाचार फैलते ही धरना स्थल पर अब किसान बड़ी संख्या में एकत्र हो रहे हैं। 5 अगस्त से धरना दे रहे किसानों ने जोधपुर में महापड़ाव डालने के लिए कूच किया था, लेकिन माणकलाव में ही उन्हें रोक दिया गया था। दो दौर की वार्ता विफल रहने के बाद कल किसान तीसरे दौर की वार्ता के लिए आगे आए ही नहीं, वे महापड़ाव डालने पर अड़े हुए हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किसान है युवा किसान नेता पुखराज की। घटनास्थल पर तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, MDS में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसकी घटना के बाद की बात है, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। किसान आंदोलन में धरनास्थल पर छात्र नेता व युवा किसान मांडिया निवासी 22 वर्षीय पुखराज डोगियाल पुत्र तेजाराम की रात में तबीयत बिगड़ने पर SDM अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष नरेश व्यास ने कहा है कि धरने के दौरान तबीयत बिगड़ने से पुखराज की मृत्यु बेहद दुखद है। भारतीय किसान संघ पुखराज के परिवार के साथ खड़ा है। सरकार की असंवेदनशीलता के चलते पहले एक क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है, अब सरकार की हठ धर्मिता से धरने पर बैठे किसान की तबीयत बिगड़ने से किसान की मृत्यु हुई है। जी हाँ, आपको बता दें कि शनिवार को ही धूप में जुटे हैं किसान। 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन धरने के बाद 25 अगस्त को जोधपुर डिस्कॉम SDM ऑफिस के आगे महापड़ाव के लिए रवाना हुए किसान शनिवार को ही माणकलाव में चलाते धूप में जुटे हैं। उन्होंने प्रशासन की ओर से तीसरे दौर की वार्ताओं के निमंत्रण को नहीं माना। कलेक्टर व अधिकारी दिन भर उनका इंतजार करते रहे, बीच में मैसेज भी पहुंचा लेकिन किसान नहीं आए। किसान नेताओं ने अगली रणनीति पर विचार विमर्श किया। जी हाँ, किसान संघ ने यही पर बैठक बुलाकर अगली रणनीति का विचार विमर्श किया है। भारी पुलिस पहरे के बावजूद जिस तरह ओसियां तिवरी उमेदनगर और माणकलाव पहुंचे, उसी तरह यहां से जोधपुर जाने की योजना है। यहां किसानों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नरेश व्यास ने कहा है कि शनिवार सुबह तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम किसी भी तरह से जोधपुर महापड़ाव के लिए पहुंच जाएंगे। जी हाँ, मथानिया बाईपास के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा रखी है। प्रदेश उपाध्यक्ष माणकलाव परिहार ने कहा है कि सरकार किसानों की मांग को अनदेखा कर रही है। इन्होंने कहा है कि हम सरकार को मांगों पर कार्रवाई कर राहत देने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके लिए किसानों को चाहे कितना लंबा धरना क्यों न देना पड़े। दूसरी ओर देर रात पुलिस ने मथानिया बाईपास से वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। जोधपुर फलौदी के बीच आने जाने वाले सभी वाहनों को मथानिया गाँव होते हुए पुराने रोड से निकाल रहे हैं और मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जी हाँ, हमने अब तक न्यूज पहुंचाई, जहां घटनास्थल पर तबीयत बिगड़ने से युवा किसान नेता की मौत हो गई है। सरकार का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है, यहां पर किसानों को कोई उचित समाधान और जो सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है और युवा किसान की मौत हो चुकी है। बड़ी न्यूज अब तक की। तो दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आप सभी से यही सवाल कि किसानों की सुध-बुध आखिर क्यों नहीं ले रही है सरकार। इस तरह किसानों की मृत्यु होना बेहद ही निराशाजनक और बेहद ही दुखजनक है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।